नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में 11 दोषियों को उम्र कैद, 12 को 7 साल की सजा। गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को जलाए जाने के एक दिन बाद अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की रिहायश वाले गुलबर्ग सोसाइटी में भीड़ द्वारा जिंदा जलाकर मार दिए गए 69 लोगों से जुड़े चर्चित नरसंहार मामले में दोषी ठहराए गए 24 लोगों में से हत्या के दोषी 11 लोगों को यह शुक्रवार को विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मृतकों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। हत्या के प्रयास के एक दोषी को 10 साल तथा विश्व हिंदू परिषद के नेता अतुल वैद्य समेत शेष 12 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने गत 2 जून को इस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए वैद्य समेत 24 आरोपियों को दोषी करार दिया था तथा भाजपा के तत्कालीन और वर्तमान पार्षद विपिन पटेल, कांग्रेस नेता मेघजी चौधरी और पुलिस अधिकारी केजी एर्डा समेत 36 अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया था। कुल 66 आरोपियों में से 6 की मुकदमे की सुनवाई की अवधि में मौत हो गई थी। सोपोर में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शुक्रवार को 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोपोर के बोमई इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों ने आगे बढ़ रहे सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार FIH चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है और उसने अपने लिए कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। भारतीय टीम को गुरुवार को आखिरी लीग मैच में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के हाथों कड़े संघर्ष में 2-4 की पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतिम लीग मैच में मेजबान ब्रिटेन और बेल्जियम का मुकाबला 3-3 से बराबर रहने पर भारत को खिताबी मुकाबले में प्रवेश मिल गया, जहां एक बार फिर उसके सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती रहेगी। भारतीय टीम 1978 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में इससे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1982 के टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतना रहा था। रूस का अमेरिका समर्थित विद्रोहियों पर हमला। रूस ने दक्षिण सीरिया में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित बलों सहित इस्लामिक स्टेट से जूझ रहे विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वॉशिंगटन इस मामले को रूस के समक्ष उठाएगा। अधिकारियों ने नाम नहीं लिखने की शर्त पर दृढ़ता से अल्ताफ के पास रूस हमले की आलोचना की। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी रूसी या सीरियाई जमीनी सुरक्षा बल उस समय क्षेत्र में मौजूद नहीं था, जो आत्मरक्षा में किए गए हवाई हमले के तर्क को खारिज करता है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।